जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज जो आपको हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, कहानी हमारे मशहूर ठग नटवर लाल का है। शायद आपने इस नाम सुना होगा, मिस्टर नटवर लाल। भारत के एक मशहूर ठग नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। उनका जन्म 1912 में बिहार राज्य के सिवान जिला। नटवर लाल एक प्रसिद्ध भारतीय शख्स था जिसने ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को कई बार सरकारी कर्मचारी बनकर बेच दिया था। नटवर लाल का जन्म सिवान के बांगर गांव में एक रईस जमींदार रघुनाथ श्रीवास्तव के घर पर हुआ था। मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बनने की दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी ऐसा है, बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव का रहने वाला मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद का बड़ा बेटा था। मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसका रुचि ज्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक के परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उनके पिता ने बहुत मारा, जिसके बाद वह कलकत्ता भाग गया। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपये थे, सिर्फ 5 रुपीज। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशव राम नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसा उधार मांगे, जिसे सेठ इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसे रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख ठग लिया। अब दूसरी कहानी एक और है नटवर लाल का, मिथिलेश कुमार का। दूसरी कहानी ऐसा है कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी किया। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश बहुत दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। जब मिथिलेश के पड़ोसी को इस बात को भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपये निकाल चुका था। पता चलने के बाद मिथिलेश कलकत्ता चला गया और वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम करने लगा। अब वहीं से उसका जलसादी के किस्से शुरू हुआ। उन्होंने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से अधिक धोखाधड़ी किया। वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवर लाल इतने शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल को, 2 बार लाल किला को, 1 बार राष्ट्रपति भवन को और 1 बार संसद भवन तक बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवर लाल ने संसद को बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था, उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवर लाल
के 52 नाम थे, उन्हीं में एक नाम नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का वेश धारण कर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचते थे। उनकी ठगी पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी बन चुकी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इनका रोल निभाया है। वह प्रसिद्ध हस्तियों के हस्ताक्षर बनाने में भी माहिर था। यह भी कहा जाता है कि उन्हें कई बड़े उद्योगपतियों का भी धोखा धड़ी किया। वह एक बड़ी रकम नगद उसे कह के लेता था कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसने कई दुकानदारों को लाखों रुपए का चूना लगाया। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्होंने नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता था। दिल्ली का कॉनॉट प्लेस, जहां पे सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी, एक दिन सफेद कमीज और पैंट पहने एक बुढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद को परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ डीएन तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए उन्हें पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो यह आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने की लालच से खुद को रोक नहीं पाया। एक दिन वह बुड्ढा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक को जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसर का ऑफिस होता है, ले गया। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। दो दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ में आया कि वो बुढ़ा आदमी नटवरलाल था और इसके बाद वित्त मंत्री बीपी सिंह तो कभी वाराणसी के जिला जज का नाम तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहर में दुकानदारों को चूना लगाता था। फिर दुकानदार को समझ में आया कि वो बुढ़ा आदमी नटवरलाल था और इसके बाद वित्त मंत्री बीपी सिंह तो कभी वाराणसी जिला जज का नाम तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहरों में दुकानदारों को चूना लगाता रहा। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया और 113 साल की सजा सुनाई गई। 113 साल की उसे सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उसकी उम्र 84 साल थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब रहा। उस समय वह व्हीलचेयर का उपयोग करता था और उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
पर मौका पाकर वह गायब हो गया। इसके बाद उसे 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया था। उस तारीख के बाद उसे फिर से कभी नहीं देखा गया। नटवर लाल को अपने किए पर कोई शर्म नहीं आता था। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। कहता था कि मैं अमीरों से लूट कर गरीबों को देता हूं। उसका कहना था कि मैं कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोग पैसे दे गए, इसमें मेरा क्या कसूर है। आखिरी बार नटवर लाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। पुलिस में पुराने थानेदार ने जो सिपाही के जमाने से नटवर लाल को जानता था, उसे पहचानता था, नटवर लाल ने भी देख लिया कि उसे पहचान लिया गया है। सिपाही अपने साथियों को लेने थाने के भीतर गया और नटवर लाल गायब हुआ था। यह बात अलग है कि पास खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे से नटवर लाल के उतरते हुए कपड़े मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म गायब थी। पता चला उसका मृत्यु हो गया है। नटवर लाल के वकील द्वारा 1909 में अदालत में यह कहते हुए अर्जी डाली गई कि नटवर लाल का मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसीलिए उसके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिया जाए। नटवर लाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहते हैं, उनका कहना था कि नटवर लाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया जाए, परंतु आज तक इसमें कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। नटवर लाल के परिवार में दो पत्नियां एवं एक बेटी थी।